हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए राहुल। मैं हूं राहुल और आज आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। जी हां, यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको मंथली बेसिस पे अच्छा रिटर्न मिलता है। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर मंथ एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। सपोज दैट, मान के चलिए कि अगर आपने अपना पैसा जनरल सेविंग अकाउंट में रख रखा है तो हार्डली वहां आपको 3-4% इंटरेस्ट रेट ऑफर होगा, लेकिन यहां वही पैसा अगर आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है और यह पैसा मंथली बेसिस पे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है एज ए इंटरेस्ट ब्याज के रूप में। दोस्तों, यहां इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इस स्कीम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम आगे देने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्कीम की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपको लेके आए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आखिर क्या होती है, अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कितना पैसा तक उसमें डिपॉजिट किया जा सकता है और कितने साल तक के लिए ये डिपॉजिट किया जाता है। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इस पर कितना इंटरेस्ट रेट अभी प्रेजेंट में ऑफर हो रहा है और कितने पैसे पे कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि MIS स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि ये एक मंथली इंटरेस्ट रेट स्कीम होता है जिसमें कि आपको आपके डिपॉजिट पे हर महीने एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन कौन करा सकता है। तो कोई भी सिंगल एडल्ट इस अकाउंट को ओपन करा सकता है, उसका इंडियन होना बहुत ही जरूरी है। जी हां दोस्तों, ये फैसिलिटी NRI के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है कि कोई भी पर्सन ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकता है और जो नंबर ऑफ वहां अकाउंट होल्डर्स होंगे वो 3 होंगे। उसके बाद से है यहाँ पे कि कोई भी अगर माइनर है, मीन्स कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर से कम है तो उसके बिहेव पे उसके गार्डियन अकाउंट उसके नाम से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कोई भी माइनर, मीन्स कोई भी पर्सन वो जो कि 10 ईयर से ज़्यादा एज का हो, वो अपने नाम से इस अकाउंट को ओपन करा सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि इसका लिमिट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, मतलब कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट होता है वो होता है 1,000 रुपये। मतलब ये कि 1,000 रुपये जमा करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और जो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है जो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं वो होता है 4,50,000 रुपये। जी हाँ, 4,50,000 से ज़्यादा आप इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब ये कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलकर इसे ओपन किया है या कोई भी दो पर्सन ने अगर मिलकर ओपन किया है तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो होगा आपका 9,00,000 रुपीज। इससे ज्यादा आप इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड की। जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 5 साल, और अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे 2% की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। मतलब ये कि अगर आपने 1,00,000 रुपये जमा किया है और अगर 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर आप ये अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको उस पर 2,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और हाँ, आगे आप देखेंगे कि अगर 3 साल
साल से बाद और 5 साल से पहले यहाँ पे आप अपना अकाउंट अगर बंद करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कभी भी 1 साल से पहले ये अकाउंट बंद करने की परमिशन बिल्कुल ही नहीं होती। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की और कैलकुलेट करके हमने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। तो अभी जो इसका करेंट इंटरेस्ट रेट है वो है 6.6% पर एनम। जी हाँ, एनुअली आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट अभी पोस्ट ऑफिस ऑफर कर रही है इस स्कीम पे, जो कि आपका 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस हिसाब से अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये जमा करते हैं तो जो 12 महीने का टोटल इंटरेस्ट होता है वो आपका हो जाता है 59,400 रुपीज, और उसके हिसाब से उसको अगर मंथली में हम कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 4,950 रुपीज। जी हाँ, सो आपको यहाँ पे 4,950 रुपीज हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा एज ए इंटरेस्ट। सो दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड। थैंक यू।